अरुण जय माता दी, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज का एक वीडियो पीर पंजाल रेंज का। ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है सफ़ेद चादर से भरी पड़ी पूरी पीर पंजाल रेंज, ये यहाँ पर जो बर्फ़ रहती है वो हमेशा 12 महीने रहती है और इतनी खूबसूरत आज लग रहा था। अभी तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि बहुत ही असीम वादियाँ जो है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सफ़ेद चादर जो पूरे के पूरे अपने जैसे पूरे पीर पंजाल को ओढ़े हुए हो। तो सर ये वही पीर पंजाल है जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी हमेशा 24 घंटे ये तैनात रहती है ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। तो आज बस सोचा कि आज इतना अच्छा जो सामने नज़ारा है तो उसे अपने मोबाइल में कैद कर लूँ। तो आपको पीर पंजाल की पूरी रेंज दिखाता हूँ। तो जो पूरी एकदम बर्फ़ से लदी पड़ी है ये सामने जो है ना, बिल्कुल सामने ये एकदम बल्कि हाई पीक पर देखिए, एकदम जहाँ चोटियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ पर हमेशा हमारी भारतीय फौज रहती है ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। और ये रेंज जो है ना, ये देखिए पीछे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सारा पीर पंजाल का जो रेंज है ये पूरा एकदम बर्फ़ से लदा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा ये देखिए पीछे एकदम वो आपको एक सफ़ेद चादर दिखाई दे रही होगी। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि इसे कैप्चर करने से रहा नहीं गया। तो वो देखिए एकदम सामने घरों के एकदम ऊपर सामने की तरफ सफ़ेद चादर पीछे पड़ी हुई है। ये सारी की सारी पीर पंजाल की रेंज है। वीडियो बनाने से रहा नहीं गया, खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा वादी हैं और ये इतना असीम लग रहा था कि सोचा कि आप सबके लिए, अपने भाइयों के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको भी पता लगे कि हमारी इंडियन आर्मी कहाँ तैनात रहती है और किन मुश्किलें कह सकते हैं या फिर कैसे, मतलब कि इनका हौसले इतने बुलंद हैं कि जो हमेशा यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है ताकि हम जैसे जो शहरी हैं चाहे गाँव के हैं, पूरा भारतवर्ष एकदम सुकून की नींद अपने घरों में चैन से सो सकें। तो वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को बताएं ताकि इंडियन आर्मी हमारी जो कहां कहां पर महफूज रहती है, हम जैसे लोगों के लिए कहां कहां पर बैठी है ताकि हम लोग अपने घरों में महफूज रहें। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और हाँ, अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए जय माता दी।